कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगो कविकर्मणि। देखिए कप्तान साहब, आज हमारी शाम की पार्टी ना भूलिएगा। कर्नल साहब को मैंने कह तो दिया, मगर आप उन्हें याद दिला दीजिए। वैसे जनाब, हम उन्हें जरूर याद दिला देंगे। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू। हाय डैड। हाय बिटिया, कहाँ जा रहे हो? राइटिंग के लिए। अच्छा, जाओ बेटा। बाय अंकल, बाय। अच्छा दोनों ने हमें आजाद। अच्छा कप्तान साहब, फिर आइएगा, जरूर जरूर आएंगे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बलखाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ठेकेदार साहब को हम मिलिट्री वाले पसंद नहीं। अरे बदनाम नहीं कीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं मिलिट्री कंट्रेक्टर, आपका दिया हुआ खाता हूँ, आपको नापसंद कैसे कर सकता हूँ? तो फिर आप अपनी लड़की की शादी किसी मिलिट्री ऑफिसर से क्यों नहीं करना चाहते? बात ये है जनरल साहब, औलाद के मामले में भगवान ने मेरे साथ खुले दिल से काम नहीं लिया। ले देखिए, यही एक लड़की है,
किसी मेजर कप्तान से शादी कर दूं और वो लेफ्ट राइट करता किसी दूसरी जगह चला जाए तो क्या करूंगा। इतना कारोबार जो फैला रखा है इसे देखेगा कौन। तो आपको दामाद नहीं लड़का चाहिए। दामाद भी चाहिए जनरल साहब और लड़का भी, एक पंथ दो काज। अगर लड़की ने खुद किसी मिलिट्री ऑफिसर को पसंद कर लिया तो आप क्या करेंगे, आप तो रहते ही हम लोगों में हैं। मैं अपनी लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी मर्जी के खिलाफ वो कोई काम नहीं करेगी। पिताजी, ये पढ़कर आपको बहुत दुख होगा कि आपको बताए बगैर मैंने शादी कर ली। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे मालूम था आप मेरी शादी किसी मिलिट्री वाले से नहीं करेंगे और मैं कैप्टन राजेश से अलग नहीं रह सकती थी। काश जाने से पहले हमें आपका आशीर्वाद मिल सकता। हम आज ही 10 बजे की गाड़ी से जा रहे हैं। आपकी बेटी मीना। आप कैप्टन राजेश का इंतजार कर रही हैं? मैं कैप्टन महेंद्र हूं, राजेश का दोस्त। चीन के हमले की वजह से मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, इसीलिए कल रात उन्हें नेफा बॉर्डर पर भेज दिया गया है। जी, एक दो रोज में मैं भी जा रहा हूं, अगर उनके नाम कोई पैगाम हो तो मैं हाजिर हूं। तुम इतनी आजाद हो गई, सब कुछ अपने आप कर लिया। आजादी का ये मतलब है अपनों को अपना और बड़ों को बड़ा ना समझा जाए, घर की इज्जत का ख्याल ना रखा जाए। तुम तो जानती हो तुम ही मेरा सहारा, मेरी जिंदगी, मोहब्बत, खुशी, सब कुछ तुम हो। तुम्हारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, इसके बावजूद तुमने मेरी परवाह नहीं की। पल भर के लिए नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना सदमा पहुंचे। ये बात अगर लोगों को मालूम हो जाए वो क्या सोचेंगे। यही ना कि मैं जालिम हूं, मनमानी करता हूं, भगवान ने एक बेटी दी है उसे भी आराम से नहीं रख सकता। अगर तुम जोर देकर कहती यही शादी करूंगी तो क्या मैं इनकार कर सकता था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कोई खुशी है। भूल हो गई पिताजी, माफ कर दीजिए। तो समझ लो ये शादी नहीं हुई। पिताजी, जिसे 4 आदमियों ने नहीं देखा, जिसका कोई गवाह नहीं, उस काम का होना ना होना बराबर। इसका मतलब है आप मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। नहीं, शादी तुम्हारी राजेश के साथ ही हो, मगर उस तरह जिस तरह वर्मा की बेटी की शादी होनी चाहिए, धूमधाम के साथ, शान के साथ, जिस पर मुझे फखर होगा और तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी। ये शादी अभी हुई नहीं, होगी। हंस क्यों रहा है? क्या बात है? मेरी दूसरी शादी होने वाली है। दूसरी? और वो किससे? उसी से जिससे पहले हुई थी, मीना से। लो पढ़ के देखो। वाली बात है। खतरा जान के तुम्हें इज्जत का
मीना माँ बनने वाली है। सब मुकद्दर की बात है बेटी, बच्चा मरा हुआ पैदा हो। ना रो मेरी बेटी, इसमें ना तू कुछ कर सकती थी ना मैं। किस्मत को शायद यह मंजूर था। मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। भगवान ने हम दोनों की इज्जत रखी। बेटी तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर देख रहा था। बेटे जनरल साहब का फोन आया है, कहते हैं बंबई के कलाकार जवानों के लिए एक शानदार प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तुम्हें खास तौर पे बुलाया है बेटे। आप जाइए, मेरा दिल नहीं करता। अरे ऐसी बात नहीं करते बेटे, अगर दिल को किसी और तरफ नहीं लगाओगी तो गम और बढ़ता जाएगा। उठो उठो, तैयार हो जाओ, चलो वहां चल के दिल बहल जाए। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। एंड जेंटलमैन, ये आज का प्रोग्राम हमारे जवानों की तफरी के लिए पेश किया गया था। मैं अपनी और अपने जवानों की तरफ से इन सब कलाकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बम्बई से आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और खास तौर पर मिस्टर कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस ग्रुप के लीडर हैं और इंडियन स्टेज के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। गिव अ हैंड बॉयज। ये मंजर कितना खूबसूरत है। आप मिस वर्मा हैं? जी। नमस्ते। नमस्ते। शायद कल आपको हमारा तमाशा पसंद नहीं आया। पसंद आया था? जी नहीं, अगर पसंद आता तो आप वहाँ बैठती, इनाम देती, वो काम तो आपके पिताजी को करना पड़ा। हम तो एक्टर लोग हैं, वाह पे जिंदा है, देखने वाले वाह न करें तो दिल से आह निकलती है। कुमार साहब, हमारी बेटी की फोटो खींच रहे हो, इससे कब मुलाकात हुई आपकी? अभी अभी यही मुलाकात हो गई। अच्छा, अरे भाई दार्जिलिंग में कोई देखा भी कि पेड़ पत्तों की तस्वीरें खींचने में ही लगे हो? वर्मा साहब, हम तो परदेसी हैं, कोई दिखा देगा तो देख लेंगे, यूं अकेले घूमने में क्या मजा। ये बात है, आओ हम दिखाते। आओ 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 आओ, आओ।
क्या मजा आ गया। दार्जिलिंग ऐसा बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा जैसा कि मैंने देखा है। अब तो बस एक ही असर रह गई है, वो भी कह डालो भाई। आज शाम का खाना आप मेरे साथ होटल में खाइए। ये बात कर रहे, बम्बई आएंगे तो खिला देना, दार्जिलिंग में तुम हमारे मेहमान हो, खाना हमारे यहाँ होगा। माने तो एक बात पूछो जी। आपने मंदिर में क्या मांगा था? आप नहीं बताती ना बताइए, हम बताते हैं कि हमने क्या मांगा था। हमने तो यह मांगा था कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते। अरे कुमार तुम यहां बैठे हो, मैं समझा किसी के साथ डांस कर रहे हो। ठेकेदार साहब डांस तो हमारे साथ कोई करता ही नहीं। मुझे तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी है। चलो किस्सा खत्म करो, सब लोगों की फरमाइश है तुमसे गाना जरूर सुना जाए। हाँ मुझे मालूम था आप खाना ऐसे नहीं खिलाएंगे, जरूर वसूल करके छोड़ेंगे। अच्छा ऐसा ही समझो, मगर तुम्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। हाजिर हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर कुमार गाना सुनाने पे राजी हो गए। आप नहीं आए? थैंक यू। अरे चलो साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आओ कुमार आओ। थैंक यू सर। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे न आँखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़कने समझे न आँखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है,
ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मैंने कहा था ना, कलाकार को अगर वह न मिले तो दिल से आह लिए। आज हम चले आए, दिल टूट गया। खैर, मैं तो एक मुसाफिर हूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता, वो बात ये, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। कुमार साहब, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। शायद इन्हें दार्जिलिंग पसंद नहीं आया। नहीं साहब, दार्जिलिंग हमें तो बहुत पसंद आया है, लेकिन शायद दार्जिलिंग को हम पसंद नहीं आए। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। आप जा रहे हैं? आप कहें तो ना जाऊं। पिताजी ने फूल दीजिए। ओ, thank you.
साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तक किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं, तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तस्वीर हो तुम न समझो, तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो, तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। बेटी एक प्याली चाय तो बनाओ। कुमार मेरे पास आया था कहने लगा आगे पीछे कोई नहीं, दुनिया में बिल्कुल अकेला बेटे तुमसे शादी करना चाहता है, लड़का अच्छा है, मैंने हाँ कर दी। ठीक है, तुम चली जाओगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। वो जो सोचा करता था तुम्हारी शादी एक ऐसे आदमी से करूंगा
जो मेरे पास रहे, मेरे काम में हाथ बटाए, वो बात पूरी ना हो सकेगी ना सही, मगर तुम तो खुश रहोगी। ये ठीक नहीं है पिताजी, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है बेटी? कुमार को अपने बारे में कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। मेरी शादी पहले एक हुई थी, ये बात उन्हें मालूम हो जानी चाहिए। बेटी, तुम कुमार से शादी करना चाहती और अगर शादी के बाद खुश रहना चाहती तो इस बात को भूल जाओ। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इंसान को समझता हूं। कभी कभी वो पहाड़ का बोझ सहार लेता है और कभी एक कंकरी की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत चाहे सोने की बनी हो, उसकी दूसरी शादी का नाम आता ही कुछ अजीब सा लगता है। अगर आज तक नहीं बताया तो अब भी मत बताना। पिताजी, लेकिन ऐसा करना पाप है। पाप है ना, ये पाप मैं कर रहा हूँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए कर रहा है। पिताजी, मेरे पास आओ बेटी, मेरे पास आओ। बेटे, शादी ब्याह वैसे भी जोग संजोग की बात होती है, शायद मुकद्दर इसीलिए कुमार को यहाँ खींच के लाया है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ। बेटा कुमार, मैं अपनी दुनिया तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बरखुरदार, सुनता हूँ काली बम्बई जा रहे हो, उस दिन तो और ठहरो। जरूर ठहरता ब्रिगेडियर साहब, लेकिन बम्बई में बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। काबुल साहब, आदावर से। आदावर से वकील साहब, आदावर भाजी। भाई कुमार हूँ तो आप लोगों के न्याज हासिल हूँ। भाई कुमार वाकई आ रहा है कि नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता। अजी आना ही पड़ेगा, शादी तो बना ली। वकील साहब, ये है हमारी कंपनी के सेठ ईरानी साहब, और ये हैं हमारे तमाम साथी, और ये हैं इस शहर के बहुत बड़े वकील मिस्टर जगमोहन कुमार के बिल्कुल भाई जैसे हैं। बड़ी खुशी हुई। योर अटेंशन प्लीज, इंडियन एयरलाइंस अनाउंस द अराइवल ऑफ देयर कैरावन फ्लाइट नंबर 176 फ्रॉम कलकत्ता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जुम्मा, अच्छे हो ना? बहुत अच्छे हैं साहब। अच्छी बात है, ड्राइवर चलो। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं जाने देगा, हमारा नारियल पानी पी के जाना होगा। अच्छी बात है, मगर आज एक नहीं दो पियेंगे। अच्छा साहब, जब भी घर से बाहर जाता हूँ या घर में आता हूँ, ये जुम्मा जरूर नारियल पिलाता है मुझे। अरे मेम साहब, ये साहब हमारे लिए बहुत बड़ा लकी होता, अब तुम आ गया हमारा डबल लक हो गया। देव साहब, बहुत पीता नारियल पानी। यूं नहीं शहजादे, मेरे नए ड्रामे का हीरो जब हीरोइन को ब्याह के घर लाता है तो गोद में उठा के ले जाता है अंदर। अरे मेरी तरफ क्या देखता है, ताला उठाना। मगर भाभी। हाँ हाँ, रसम तो यही है। यार अब उठा भी लेना, क्यों इतने नखरे करता है। अच्छा भाई, अगर आप सब लोग कहते हैं तो। शादी मुबारक। शबनम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ भी तो कोई होना चाहिए था। हाय, कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है। भाभी जान, कुमार की एक बीवी ये भी हैं। स्टेज के ऊपर, ये मेरी स्टेज की हीरोइन है,
अब तक मैं इससे 50 शादियां कर चुका हूँ। क्या बात है शहजादे, क्या बात है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी आदमी थे काम। जेंटलमैन, मिस्टर कुमार से दरख्वास्त करूंगा कि ये खुद ही अपनी शान में कुछ फरमाए। ओह नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, अजीजों, आप सब अभी इसी वक्त फौरन प्लीज गेट अप। साफ जाहिर है कि शहजादे को तन्हाई चाहिए। आइए बढ़ाइए सवाल। कह रहे घर से निकाल दें। आइए आइए। ईरानी सर, बड़े बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम। तुम्हारी खुशनसीबी से मुझे जलन हो रही है। ये क्या? हमारे नए ड्रामे का हीरो जब घर में आता है, दुल्हन को गोद में उठा के लाता है। एक बार तो ले जा चुकी है। वो एक्टिंग थी, असल तो ये है। आगे बढ़ाया तो उसके पांव काट दिए जाएंगे। देखते क्या हो, इस मर्दू तो खत्म कर डालो। कौन हो तुम? मैं वो जिसे दुनिया बर्बाद करना चाहती है, कपड़े उतार कर भरे बाजार में नचाना चाहती है, अपने अंधेरे का उजाला बनाना चाहती है। मैं हुस्न हूँ, मगर रहमत के फरिश्ते तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। तुम हुस्न हो, मैं इश्क। इश्क जिसने सीखा नहीं दुनिया में किसी से डरना, जिसने सीखा है अगर कुछ तो मोहब्बत करना, हुस्न के नाम पर मिट जाना, फना हो जाना, जान से खेलना, तस्वीरें वफा हो जाना। तू हुस्न है, मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है, मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। मुझ में है, मैं
हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। दिल भर मेरा, दिल भर मेरा, ओए दिल भर मेरा। रात बना के बढ़ता जाए लहरों का घेरा, कसम खुदा की आज है मुश्किल मिलना मेरा। खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा, हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के, न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के। वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली, हाय वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। तो ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा, मैं तख्त ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा। के तख्त ताज से तेरी गली की खाक भली है, के तख्त ताज से तेरी गली की खाक भली। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। चेहरे की शुआएं हैं कि आधी रात को सूरज निकल आया दरीचे में। मेरा कोई हंसी फिस जा, तुझे पाले तो फिर क्या हो। ये
सब बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। खुदा के वास्ते ए रोमियो इस जिद से बाद आ जा। कजा आने से पहले मेरे पास है दिल नवाज आ जा। तुझे जिद है तो प्यारी देख मैं दीवाना माराई। तुझे जिद है तो प्यारी देख मैं दीवाना माराई। तू जब बाहों में आई दिल की दुनिया में बहार आई। तू जब बाहों में आई बताओ ना, अब कब तक आंखें बंद किए रहूं? खोल दूं? खोल दीजिए। बाप रे बाप, ये सब क्या है? आपको नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम। वाह वाह, अपनी मोहब्बत के बारे में तो बहुत शेख ही मारते हो। और ये भी नहीं मालूम कि आज हमारी शादी की चौथी सालगिरह है? चार साल हो गए हमारी शादी को। यकीन नहीं आ रहा। मेरे लिए जी जान से चाहने वाली एक बीवी की तरफ से प्यार का तोहफा। ओ, सोने का? बहुत खूबसूरत, लव यू, थैंक यू। अच्छा बातें कम कीजिए, आइए केक काटे। एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले पति की ओर से अपनी पत्नी के लिए प्यार के साथ। मैं समझी कि आप भूल गए। जान मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी जिंदगी में बहार आई थी। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। डरती हूँ कहीं मेरी मोहब्बत को नजर न लग जाए। मीना, हेलो, फ्रॉम कॉल दार्जिलिंग से। मीना तुम्हारा फोन। हेलो, कौन? डॉक्टर अंकल? वर्मा जी, वर्मा जी, घबराओ नहीं डॉक्टर, घबराओ नहीं। मीना हाय। शाप, मिशाप आ गया। क्या हुआ? कुमार भी आए? हाँ डैडी, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा हूँ बेटे, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं बीमार हूँ। कब सा? जरा दरवाजा बंद कर लो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरवाजा? हाँ बेटे, जाओ बंद कर। बेटी, जो मैंने किया मालूम नहीं अच्छा था या बुरा, मगर तुम्हारे भले के लिए किया था। भगवान मुझे इसकी सजा भी देगा तो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। तुम खुश हो बस यही मेरी तमन्ना। आप क्या कह रहे हैं मैं समझी नहीं।
ऐसा क्या किया है आपने? तुमसे झूठ बोला था। झूठ? तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा? तुम्हारे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वो जिंदा था, लड़की है। पिताजी। वो तुम्हारे पास रहती तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम मेरी इकलौती बेटी थी, मैं तुम्हें घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का बड़े से बड़ा पाप कर सकता था और अब उस पाप का यही प्रायश्चित है। आज तुम्हें बता दूं वो कहां, इसलिए कि तुम्हारी मोहब्बत में उस मासूम के साथ बहुत सम हो गया। ये कागजात तुम्हें सब कुछ बता दें। भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने बच्ची को बुलवाया है, अभी आती है। हेलो जी। जी मैं यही हूँ, आप आ जाइए। बड़ी प्यारी बच्ची, ना जाने भगवान इतना अन्याय क्यों करते हैं। फूल जैसे बच्चों से उनके माँ बाप को छीन देते हैं। हम कुछ भी करें, माँ बाप का प्यार तो इन बच्चों को नहीं दे सकते। अरे तुम आ गए, अंदर आओ बेटा। देखो ये आंटी तुम्हें मिलने आई है। आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ ना। जाओ बेटी, इनके पास चल, इनसे बात करो। जी आंटी। आओ हमारे पास आओ। जाओ बेटा जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सारिका। बड़ा प्यारा नाम है। पढ़ती हो? हाँ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। चिट्ठी होगी, ला मुझे दो, दो ना। मम्मी आप कब आएंगे? मैं आपको याद करती हूँ, ये हमेशा अपनी माँ को चिट्ठी लिखती रहती है। मैंने अभी कहा था ना, हम कुछ भी करें, माँ बाप का प्यार तो इन बच्चों को नहीं दे सकते। इसकी एक मिसाल ये बच्ची। बीबी जी जिन साहब का फोन आया था वो आए हैं। अच्छा क्या भैया? आप कब आएंगे? मैं आपको याद करती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपने टेलीफोन किया था? जी हाँ। अच्छा बैठिए। तुम रोज चिट्ठी लिखती हो अपनी मम्मी को? हाँ रोज लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ? हाँ बहुत याद करती हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी आ जाए तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। क्या तुम्हें तुम बहुत गंदे, तुम बहुत खराब हो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? मम्मी छोड़ के नहीं गई थी बेटे, मम्मी छोड़ के नहीं गई थी। उसकी कोई मजबूरी थी, मम्मी मजबूर थी। आंटी रो क्यों रही हो? आंटी मैं तो नहीं रो रही बेटा, मैं नहीं रो रही।
बोला नहीं। अच्छा बेबी बेबी दारी का दूध पी जाओ। ए, तुम कौन हो? हम नहीं, हम आंटी की आटा है। मेरी साहब आने वाली हैं, चाय बनाओ। इस मिनट कहाँ हो तुम? देखो दूध ठंडा हो रहा है। बेबी ओ तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे माय लेडी अरे भाई हम तो आए सो आए। जी का भाई अच्छी लगी आपको? बड़ी प्यारी बच्ची है। किसकी है? अनाथ आश्रम से लाई हूँ। अनाथ आश्रम से? हाँ, पिताजी के लिए दान करने गई थी वहाँ, मुझे बच्ची बड़ी अच्छी लगी। साथ में ओ अंकल जी ये क्या है? बेटा ये कैमरा है फोटो खींचने के लिए। हमारा भी एक फोटो खींचे? हाँ हाँ जरूर, जो तुम वाले खड़ी हो जाओ। शाबाश मीना, तुम भी जाओ। हाँ मीना तुम बैठ जाओ। दैट्स गुड। हाँ अब दोनों हंसो हंसो से हंसो। हाँ बेबी नजदीक जाओ आंटी के और जोर से पकड़ लो। आंटी को किसी करो। पकड़ो आंटी को फिर हाथों से। बहुत अच्छा कट। अब छोड़ो भाग क्या बेटी करो। वेरी गुड। अभी हम खींचेंगे। अच्छी बात है, आइए यहाँ से देखिए। आंटी दिखती है ना? आंटी तो इतनी सी दिखती है। हाँ और ये ना पसंद, ये यूं दबाने का है। अब चलाओ। ओके हाँ बेबी हम बैठ गए। हाँ अंकल आंटी को किसी करो। अंकल आंटी को किसी करो। क्या ऐसे? हाँ। अच्छी बात है, लो। अब तुम भाग जाओ हमारे पास। ऐसे अब तुम हमको क्या करो? अब आंटी को करो। बहुत अच्छा। ओ खेल खत्म और कैमरा बंद। अच्छा दीदी अब तुम जाओ दूध पियो। चलो वेरी गुड। वेरी गुड। देखो एक बच्चा घर में हो तो कितनी रौनक हो जाती है। तूफान मचा रखा है इसने। सचमुच अच्छी लगी आपको? हाँ भाई कह जो दिया, बहुत अच्छी लगी। क्यों क्या बात है? अब तो रिहर्सल करने थिएटर चले जाते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं। अच्छा मैं अकेली घर में रह जाती हूँ। हाँ, क्या मतलब? मैं सोच रही थी वहाँ तो इसका कोई है नहीं, क्यों ना हम इसे यहाँ ले आए। गोद लेना चाहती हो? ऐसा मत करना। पर क्यों, क्या हर्ज है? ये तुम्हारी बच्ची तो है नहीं, जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी तो इस बच्ची का क्या होगा? ये भी रहेगी। मीना अपनी औलाद से बढ़कर कोई माँ किसी दूसरे के बच्चे को नहीं चाह सकती। ये मेरी बच्ची है, मेरा मतलब है जैसे मेरे और बच्चे होंगे वैसे ये भी होगी। ये तुम आज कह रही हो, जब माँ बनोगी ये बात याद नहीं रहेगी। और उस वक्त इस बच्ची के साथ जुल्म हो जाएगा।
आंटी मेरे साथ खेलो ना। आंटी तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं बेटे, चलो तुम्हें छोड़ा। कल आओगी ना मेरे बहुत सारे खिलौने लाना, बहुत सारे कपड़े लाना, लाओगी ना? लाऊंगी बेटे, जरूर लाऊंगी। अब तुम जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। बच्ची तो आपसे बहुत घुल मिल गई है, वो समझने लगी है उसकी माँ मिल गई है उसे। मैं भी उसे अपनी बेटी ही समझने लगी। अगर ये बात है तो आप उसे गोद क्यों नहीं ले लेती? गोद में उसे नहीं ले सकती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ओ, तो फिर मैं आपसे विनती करूंगी कि आप यहाँ मत आया कीजिए। क्यों? देखिए ना, आप जितना ज्यादा आएंगी, जितना ज्यादा मिलेंगी, बच्ची को आपसे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा ना हो किसी दिन उसका दिल टूट जाए, फिर हमारे लिए उसे बहलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्ते तेजपाल जी। नमस्ते जी। तो क्या सोचा आपने? वो बच्चे हम आपको दे सकते हैं। जी शुक्रिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको यही बच्ची क्यों चाहिए? आश्रम में और भी तो बहुत बच्चे हैं। जी दरअसल बात ये है कि हमारी भी एक बच्ची थी, लेकिन भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। बहन जी, इस बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी बच्ची से मिलती है। बच्ची के नाना से बहुत प्यार करते थे। मैंने अभी तक इसकी मौत के बारे में उन्हें नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहता। डरता हूँ कि बुढ़ापे में कहीं उनका दिल न टूट जाए। मैं सब समझ गई। आप बच्ची को कल ले जा सकते हैं, मैं सब कागजात तैयार रखूंगा। जी शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते मीना जी। पहचाना नहीं? मैं कैप्टन महेंद्र, आपके पति राजेश का दोस्त। अभी अभी आपको बैठा देखा,
सारी गुजरी हुई कहानी दिमाग में घूम। कितना प्यारा आदमी था राजेश, मेरा तो जिगरी याद था, हर वक्त आप ही की बातें किया करता था। मेहरबानी करके राजेश की बात न कीजिए। क्यों? मैंने शादी कर ली। शादी किससे? कुमार से। कुमार वो स्टेज एक्टर तो नहीं? हाँ भाई, उनसे तो हम भी मिलेंगे। ना मिले तो अच्छा है। क्यों ना मिले? मुमकिन है आपके मुंह से राजेश के बारे में कुछ निकल जाए। क्या आपने पहली शादी के बारे में उनसे कोई जिक्र नहीं किया? नहीं। चलो आपकी तारीफ। ये कैप्टन महेंद्र, ये मेरे पापा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे हाँ मीना, बाय बाय। बाय सर। मीना जी आपका बैग। देखिए आपके कुछ खत मेरे पास पड़े हैं जो आपने राजेश को लिखे थे, ये तो घर पहुंचा दें। घर बताइएगा तो खुद आकर ले जाइएगा, मैं इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। ये वही दार्जिलिंग में रहा करते थे, पिताजी के पास आया करते थे। ओ, आ। जाग मुसाफिर घोर गई अब रैन कहाँ जो सोवत है। कुछ जाग मुसाफिर घोर गई अब रैन कहाँ जो सोवत है। कुछ जाग मुसाफिर घोर गई अब रैन कहाँ। ओहो जागो मोहन प्यारे, मोहन प्यारे। कुछ जाग मुसाफिर घोर गई अब रैन कहाँ जो सोवत है। कुछ जाग मुसाफिर घोर गई, कुछ जाग मुसाफिर घोर गई अब रैन कहाँ जो सोवत। हेलो कुमार स्पीकिंग, कैप्टन महेंद्र, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। मीना तुम्हारा फोन। कुछ जाग मुसाफिर घोर। हेलो, हाँ हाँ तैयार हो गई? जी हाँ। जल्दी आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हेलो, मीना मीना। ओहो अब तुम यहां बैठ गई। चलो भाई देर हो रही है। अरे तुम तो पसीने पसीने हो रही हो, क्या बात है?
अचानक तबीयत खराब हो गई है। वाकई तुम्हारा माथा तो जल रहा है। आप कहीं तो आज मैं थिएटर न जाऊं। कोई बात नहीं, चलो आओ आराम करो। हाँ अब मैं जाऊं? अकेले जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज आपकी नए ड्रामे की पहली रात है और मेरी कुर्सी कुर्सी खाली रहेगी मेरी जान, लेकिन हमारा दिल तो खाली नहीं। आज हम तुम्हारी याद के सहारे एक्टिंग करेंगे। तुम लेट जाओ, आराम करो, विश भी लग। लो भाई, दो दिन बुलाए मेहमान आ गए, बैठने की जगह मिलेगी। और जगमोहन भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते, मैंने कहा तुम्हारा नया ड्रामा देखेंगे, तुम्हें आशीष देने आई हूँ। भाभी जब भी तो मेरे ड्रामे चलते हैं। अरे मीना कहाँ है? वो आज नहीं आई। क्यों? अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ वो कैसी है। आप बैठिए ना प्लीज। ऑपरेटर मेरे घर का नंबर दीजिए। हेलो, कौन? मेरी? हाँ साहब, हम मेरी बोलता। मेम साहब को फोन देना। मेम साहब? मेम साहब तो घर में ही नहीं। घर में नहीं है? हाँ साहब, जब तुम बाहर गया ना उसका थोड़ा देर पीछे मेम साहब भी चला गया। कहाँ चली गई? कुछ बोला नहीं साहब। कहाँ गई होगी? हेलो, कौन? मेरी? कहाँ है तुम्हारी मेम साहब? अभी तक नहीं आई? अभी तक वापस नहीं आई? ये वो जालिम मसीहा है कि जख्मी हो गए हम भी। कामयाबी की कामयाबी और फतेह मंदी की फतेह मंदी कभी कभी शिकस्त पाश में बदल जाती। आका को गुलाम के अल्फाज याद नहीं रहे। भैया लगाम दो अपनी जबान को, तुम डस्टबिनों की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। फरेब दे गई आदम को क्या है औरत की, और सियाह खाना बना डाला इसने जन्नत। भैया वो हमारी महबूबा है, हमारी बीवी है। हर बीवी औरत, और औरत का दूसरा नाम कमजोरी है। हम तुम्हारी जबान काट देंगे, तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मैं अपने सर और अपनी जबान का जिक्र नहीं कर रहा मेरे आका, औरतों की बेवफाई का जिक्र कर रहा। ये वो जालिम मसीहा है कि जख्मी हो गए। अयागो तुम अपनी असियत भूल रहे हो। हम सब कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूल जाते हैं। ये रुमाल तो बेगम अथैलो का है, तुम्हें कहाँ मिला? यहाँ वो भूल आई। तुम दस्तमाना पर इल्जाम लगा रहे हो, वो इस वक्त अपनी खाबगाह में है और हमारे लिए सराफा इंतजार है। काश ये ख्वाब सच निकले। ख्वाब नहीं, ये हकीकत है यागो। जो हकीकत है काश वो ख्वाब बने। अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो हम तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे। अगर सच निकला तो Get the ball!
फिर कैसे मालूम है? हम जानना चाहते हैं वो कहाँ गई। ये कैसा शोर है? कैसे चीख को पुकार है? जसमाना, हम जानना चाहते हैं आप कहाँ गई थी। हमसे इस अंदाज में क्यों बात की जा रही है? हम अपने सवाल का जवाब चाहते हैं जसमाना। गुफ्तगु का ये लहजा में सख्त नापसंद है उछल। क्या वाकई कमजोरी का दूसरा नाम औरत है? क्या आप हमारी पेशानी का ताक बन गई? अयागो की पेशीन कोई दुरुस्त साबित हो गई क्या? अयागो अयागो अयागो, नफरत हो गई हमें इस्लाम से। ये रुमाल कहाँ छोड़ा था आपने? अगर ये रुमाल अयागो ने दिया है तो इसका जवाब देना हम अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी शान में गुस्ताखी तसव्वुर करते हैं। इतना परवर की ना सा इतना नेचुरल एक्शन नहीं करने का, ठोकर मर जाता। शबनम शबनम आप आ गए। अब कैसी हैं आप? मगर तुम तो घर में नहीं थी, मैंने टेलीफोन भी किया था। टेलीफोन किया था? हाँ, दो बार। कहाँ थी तुम? वो हाँ डॉक्टर के यहाँ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, नर्वस टेंशन है, ठीक हो जाएगा। कॉफी बनाऊं आपके लिए? नहीं, तुम आराम करो, आज हम कॉफी खुद बनाएंगे। डॉक्टर मोदी, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपको बेवक्त तकलीफ थी। सो रहे थे आप? हाँ सो रहा था। कौन? उबार? क्या बात है डॉक्टर साहब? मीना आपके पास आई थी, क्या तकलीफ है उसे? मीना? क्या बीमार है मीना? मेरे पास तो नहीं आई। आपके पास नहीं आई? लेकिन वो तो कह रही थी कि गुड आप यही सो गए, ऊपर ही नहीं आए? हाँ, यही नींद आ गई। आपने कॉफी भी नहीं पी? नहीं पी? नहीं पी। बड़ी खूबसूरत लग रही है। चाय लाऊं आपके लिए? चाय तो आती रहेगी, जरा हमारे पास बैठ जाओ। अब कैसी तबीयत है हुजूर की? हेलो कट गया। चलो चाय पी जाए। हेलो फिर कट गया। मालूम होता है किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं। आपके टेलीफोन आए, तुम उठाना, शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। ओ शुक्रिया।
आज आप बड़ी मेहरबान हो रही हैं। कोई खास बात है? ऐसे ही प्यार में। ओ, प्यार में क्या बात हो? आपकी खुशी। खुशी की क्या बात करती हो? जाने किसे किस बात पे मिल रही है। इंसान के अंदर क्या है कोई नहीं समझ सकता। मैं समझी नहीं। छोड़ो, क्या करोगे समझकर? ये कैप्टन महिंदर कौन है? समझ गया, सब कुछ समझ गया साहब। जब कुमार साहब अपने मकान से बाहर चले जाएं, तो ये चिट्ठी मैं सबको दे दूं। सब सब। आज अपना साहब को बहुत मिठा नारियल पानी पिलाया था, अब भी जहाँ से तोड़ के लाया साहब, खुदा कसम। साहब आज आप बहुत चुप चुप लगता है, क्या बात है साहब? चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये आपके लिए नहीं है, मेम साहब के लिए। इधर लाओ, लाओ इधर। मैंने दो बार फोन किया, हर बार तुम्हारे पति ने उठाया। मजबूर होकर ये चिट्ठी लिख रहा हूं। रात मेरे तुम्हारे दरमियान जो बातें हुई थी, उनके मुताबिक मैंने हवाई जहाज के दो टिकट ले लिए हैं। जहाज रात को 11 बजे जाता है, मैं ठीक रात के 9 बजे आऊंगा। अगर प्रोग्राम में कोई तब्दीली ना हो तो अपने कमरे की बत्ती जली छोड़ देना, मैं समझूंगा सब ठीक है। तुम्हारा। अरे हाँ, ये चिट्ठी तो मेम साहब की है, जाओ उन्हें दे दो। जाओ। मेरे बर्बाद घर में तूने क्यों मशाल जलाई थी, मेरी तारीक रातों में उजाला बन के आई थी। वाह वाह, क्या बात है काकू। दगाबाजी अगर करनी थी उल्फत क्यों जताई, जफाओं ने तेरी बेदर्द सीना जाग कर डाला, सितमगर बेवफा तूने जलाकर खाक कर डाला। शहजादे, आज बहुत देर कर दी तुमने। साला, आज क्या रिहर्सल नहीं करने का? किरण सेठ, कल रात से तबीयत बहुत खराब है, नींद भी नहीं आई। आज रात के शो में काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकू? घबराओ नहीं प्यारे सेठ, आज घर दामाद कर लेंगे, पंद्रह उसमें हीरो है। ऐसा जी करेंगे तो फिर मैं चलता हूँ। कुमार, तुम्हें कल से हो क्या गया है? मुझे तो रात मार ही डाला था तुमने, क्या बात है? बात कुछ नहीं। आधा आराम करना, चोलू कथा रोमांस नहीं करना। बाहर जा रही थी। आज आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, आज रिहर्सल भी नहीं हुई और खेल भी नहीं होगा। तो आज रात आप घर ही पर रहेंगे? हाँ। Thank you.
एक दो रोज के लिए पूना हुआ? पूना? हाँ जरूर चाहिए। तुम चलोगे हमारे साथ? मैं? नहीं जा सकती? कोई बात नहीं, हम अकेले हो आते हैं। हेलो, कौन? एमपी सिंह? नहीं साहब, वो तो लखनऊ जा चुके हैं। हाँ जी, परसों गए। इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बॉय, साहब को रूम 315 मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बंटन के किधर जाता है? पिक्चर को जाता है, मेम साहब छुट्टी दी आज। छुट्टी दिया? मेम साहब भी बाहर जाता क्या? नहीं, मेम साहब करीज को है, साहिब गेला बाहर। साहिब बाहर गेला? किधर गेला? पूना गेला, पूना। पूना? ओ, साहिब नल पानी, पानी वाला, मलाई वाला, कोबड़ा वाला।
पुलिस को बुला रहे हो? और से देखो, बीवी की लाश सामने पड़ी है, पिस्तौल हाथ में है, भेष बदला हुआ है, कातिल को तुम समझे जाओगे, पुलिस तुम्हें पकड़ने जाएगी और असली कातिल साफ निकल जाएगा। आपके रिजर्वेशन की मैसेज मिली थी, बट आई एम वेरी सॉरी, एब्सोल्युटली देयर इज नो रूम। नहीं, नो चांस। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। मेरा बिल तैयार कर दीजिए। आप जा रहे हैं? यह मगर आप तो दो तीन दिन रहने वाले थे। काम निकला बहुत अच्छा। मिस्टर लाल। यस सर। 315 का बिल बना दिया। यस सर। पेपर साहब। मुझे जाना है। 125 रुपए 50 पैसे। $74.50 नया पैसा। बॉय। यस सर। ये पेपर ले जाओ। ओके। तो दाली वाले साहब कहाँ गए? अपना पैसा नहीं ले गए? अरे ये पढ़ा तुमने? मशहूर एक्टर की बीवी का कत्ल, पुलिस दाढ़ी वाले की तलाश में। दाढ़ी वाले की? दाढ़ी वाला। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर अशोक। इंस्पेक्टर साहब, मैं श्रीराज होटल से बोल रहा हूँ। अभी अभी मेरे यहाँ से एक दाढ़ी वाला पैसेंजर गया। मैं समझ गया। आप ऐसा कीजिए, अभी फौरन वो कमरा बंद करा दीजिए जिसमें वो दाढ़ी वाला आदमी ठहरा हुआ था। मैं भी वहां आ रहा हूँ। ऑलराइट सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, सफाई कर रहा था। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, बाहर जाओ। जी बहुत अच्छा।
ये तो कहीं नहीं छपाना कि खून किस कमरे में हुआ और लाश कहाँ पड़ी। जी मैं जैसे ही नौकर ने दिला हमने फौरन दरवाजे बंद करवा दिए और उसके बाद जहाँ कोई आए नहीं। तो फिर मिस्टर कुमार को कैसे मालूम हुआ कि लाश यहाँ है? क्या मतलब? वो सीधे लाश के पास कैसे चले आए बिना किसी के बताए हुए? दुखी रहोगे, सुबह से शाम हो जाती है, बस बैठे फिल्म देखते रहते हो। क्या करूं शबनम, जब मीना का ख्याल आता है मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगता हूं। ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कातिल मैं हूं। मैं छोड़ के क्यों चला गया? जो होना था सो हो गया, अब बेहतरी इसी में है, तुम अपना ध्यान कहीं और लगाओ। स्टेज पर काम क्यों नहीं शुरू कर देते? नहीं शबनम, अब स्टेज पर काम करना मेरे बस की बात नहीं। जब तक मीना की कुर्सी खाली है मेरा दिल भी खाली है। अब मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकूंगा शबनम। शबनम जी, इस कैमरे में मीना की कुछ तस्वीरें हों, इन्हें डेवलप करवा। अब तो बस यादें ही बाकी रह गई। कुमार अंदर हैं? जी है। आइए इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मिस्टर कुमार, ये लड़की कौन है? मेरी स्टेज की हीरोइन शबनम। ओह, बड़ी खूबसूरत है, वाकई हीरोइन बनने के काबिल। बैठिए। थैंक यू। मिस्टर कुमार, आप किसी दाढ़ी वाले को जानते हैं? दाढ़ी वाला? कोई आपके दोस्तों में हो? मेरे दोस्तों या दुश्मनों? आपके मकान के बाहर जो नारियल वाला बैठता है उसका बयान है कि जिस रात वारदात हुई उसने बाहर एक दाढ़ी वाले आदमी को टहलते हुए देखा था। मैं किसी दाढ़ी वाले को नहीं जानता। सिगरेट? थैंक यू। कम से कम तीन आदमियों को मैं जानता हूं जो यही सिगरेट पीते हैं। एक आप, दूसरा मैं, तीसरा कौन है? तीसरा वो दाढ़ी वाला, इसकी हम तलाश में। ये देखिए, जिस रात कत्ल हुआ वो शिराज होटल में ठहरा हुआ था। ये सिगरेट के टुकड़े भी उसी के कमरे में से मिले। अच्छा तो मैं अब चलता हूं। ओह, मिस्टर कुमार,
हो सकता है इस परेशानी में आपके दिमाग से उतर गया हो, लेकिन याद करने की कोशिश जरूर कीजिए, शायद ये दाढ़ी वाला आपके दुश्मनों में से हो या दोस्तों। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, ये दाढ़ी वाला आदमी कातिल है ही नहीं। कैसे? कातिल तो हमेशा अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी स्टेशन पर अपने आप को नहीं छुपाता, होटल में आकर इत्मीनान से ठहरता है, कुमार के मकान के बाहर नाड़ी वाले के पास बेझिझक खड़ा है, किसी एक जगह भी तो अपने आप को नहीं छुपाता। अगर वो अपने आप को दाढ़ी के पीछे छुपा रहा तो? दाढ़ी के पीछे कौन हो सकता है? कुमार हो सकता है। कुमार? वो तो पुणे में था। ये तो कुमार का बयान है। कत्ल का मकसद? दूसरी औरत। दूसरी औरत कौन? शबनम। शबनम बड़ी खूबसूरत लड़की है। अरे मेरे यहां सच्ची क्यों देर लग रही है? मैं भी भाग के जाऊं, ले मैं आगे आगे चलूं। मन्ने का जयराम जी की सरकार। आइए लाला जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अजी मैं तो आज भी नहीं आऊंगा, ये सारे आदमी पकड़ ले आए। बड़ी ज्यादती इनकी। क्यों भाई, कैसे कट दिया लाला जी को? इनके यहाँ से ये चोरी का माल बरामद हुआ। सरकार पकड़ना है तो चोर ने पकड़ो, मैं तो नामा खर्च करूँ, मेरे पास ले आओ मैं ले लूँ। सरकार मन्ने क्या पता कि माल चोरी का है कि साहूकारी का? जब आदमी 50 की चीज 5 में दे के जाता है उस वक्त पता नहीं चलता ये चोरी का है या साहूकारी का। मन्ने क्या पता सरकार, मैं तो सीधा आदमी हूँ। तुम्हारे जैसे सीधे आदमी और 2-4 मिल जाए तो शहर का पता ना चले कहाँ चला गया। और बैन जी है हुजूर। ये सिगरेट किस पीतल का है या सोने का? सरकार आजकल तो सोना पीतल एक भाव हो रहा है, क्या पता चले। जी हुक्म सरकार। इस पे तो किसी का नाम लिखा हुआ था, बिठा दिया? राम राम सरकार, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, जाने कुछ लिखा था नई लकीरें कहाँ रखी थी। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। अच्छा भाई सेठ जी को ले जाओ, कुछ जमीन आ जाए छोड़ देना, इतने इनकी खातिर करो। खातिर बातिर की जरूरत है सरकार, मैं तो नई पान उड़ी पी के गुजारा कर लूंगा। चलू बड़े मान। अच्छा जय राम जी की सरकार। चलू भाई ठहर जा। तुम्हारी इन बातों से तो साफ जाहिर है कि शादी से पहले तुम्हारी बीवी और कैप्टन महेंद्र दोनों दोस्त थे। महेंद्र भी उसी जगह का रहने वाला था जहां की तुम्हारी बीवी थी। शादी के बाद वो यहां आता है, तुम्हारी बीवी से होटल में मिलता है, वो उसे देख के घबराती है। सुबह उसका फोन आता है, दोनों में जो बातें होती हैं तुम्हारी बीवी तुमसे छुपाती है, और रात को तुम्हारे साथ थिएटर भी नहीं जाती बल्कि उससे मिलने चली जाती। अगले रोज सुबह उसके नाम एक चिट्ठी आती, वो तुम्हारे साथ पूना भी नहीं जाती, उसे कोई जरूरी काम निकल आता है। इन सब बातों का तो सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है, महेंद्र और तुम्हारी बीवी के ताल्लुकात थे। इस कत्ल में महेंद्र का हाथ, महेंद्र को तलाश किया। लेकिन कैसे, कहां तलाश करूं महेंद्र? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जाओ अपनी बीवी के खत कागजात जो कुछ भी वो छोड़ गई होंगे ढूंढो, मुमकिन है वहां कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे महेंद्र का पता चल जाए।
मोहन, मैं हूँ कुमार। सुनो, सब गड़बड़ हो गया। क्यों, क्या हुआ? मीना की अलमारी का ताला तोड़ दिया किसी ने। ताला तोड़ दिया? हाँ, ऐसा लगता है कोई मुझसे पहले घर में आया और सारे कागजात ले गया। कातिल के सिवा ये काम और किसी का नहीं। कातिल मुझसे दूर होता जा रहा है, पुलिस मेरे करीब आती जा रही है। इंस्पेक्टर आइए। इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ की सर? ओ, यूं इधर से गुजर रहा था, आपके घर में लाइट नजर आई तो मैंने सोचा जरा मिलता ही चलूं। तशरीफ लाइए। थैंक यू। सिगरेट? बड़े कमाल की चीज है। नहीं नहीं, उस दिन आपका सिगरेट पिया था, आज आप हमारा पिएंगे। सिगरेट कैसे देख रहे हैं जी? ऐसा एक मेरे पास भी था। ये आप ही का तो है, ये देखिए, किसी ने आपका नाम मिटा दिया। ये सिगरेट केस मुझे मेरी बीवी ने दिया। ओ, ओ। प्यार की निशानी, अगर आप चाहें तो इसे रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सिलसिले में आपको एक तकलीफ देना चाहूंगा। कहिए। सरकारी मामला है ना, ये दरअसल चोरी के माल में बरामद हुआ था। आपको एक कागज पे जरा दस्तखत करने होंगे, एक रसीद के तौर पर। यू डोंट माइंड? जी हाँ। थैंक यू। हैप्पी? शुक्रिया। मिस्टर कुमार, मालूम है मजे की बात क्या है? ये सिगरेट केस भी शिराज होटल के उसी कमरे में मिला जहां वो दाढ़ी वाला ठहरा हुआ था। आप बता सकते हैं ये सिगरेट केस वहां कैसे पहुंच गया? हो सकता है ये कहीं गिर गया हो, किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया हो। हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता। ओ हेलो मिस्टर जगमोहन, आप कब आए? अभी अभी। आप आए और हम चले। बाय बाय। जाते जाते इंस्पेक्टर ने क्या कहा वो सुना तुमने? हाँ सुना। वो ये कह रहा था कि वो दाढ़ी वाला आदमी जो उस होटल में ठहरा हुआ था और तुम दोनों एक। तो क्या हुआ? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? अरे भाई, जिस होटल में तुम ठहरे हुए थे उसके रजिस्टर में अपना नाम तो लिखा होगा। अपना नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, ऐसे ही एक नाम लिख दिया, एसएन सिन्हा। मगर लिखाई तो तुम्हारी है, उसे कैसे छुपाओगे? लिखाई? उफ, क्या हुआ? अब मैं समझ गया, इंस्पेक्टर मेरा सिगरेट केस वापस करने नहीं आया था, रसीद के बहाने मेरी लिखाई का नमूना लेने आया था। जगमोहन, वो मेरे दस्तखत ले गया। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तुम्हारी इस लिखाई को उस लिखाई से मिलाएगा जो उस होटल के रजिस्टर में है। मेरे ख्याल से तुम कल तक जरूर गिरफ्तार कर लिए जाओगे।
उसकी हमें भी जरूरत है। लिया था उसे और मजबूत कर लिया। तो तुम क्या समझते हो, कानून के पंजे से निकलकर भाग जाना कोई आसान बात है? इसके हाथ बहुत लंबे हैं, पुलिस यहां भी आ सकती है। जगमान भैया, अभी भी पुलिस कुमार को ढूंढने मेरे घर आई थी। इतनी रात को पुलिस क्यों ढूंढ रही है? क्या बात है, क्या किया उन्होंने? अपनी बीवी का खून। ये हरगिज नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस कह रही है। पुलिस बकती है। कुमार, तुम यहाँ? जगमोहन भैया क्या कह रहे हैं? शबनम, ये इन बातों का वक्त नहीं है। पुलिस तुम्हारे घर के बाद सीधी यहीं आती होगी। इसे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? सवाई होटल कमरा नंबर 300। ये चाबी कैसी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। रात जब तुम्हें मैं घर से फोन कर रहा था तो ये चाबी मुझे बरामदे में पड़ी हुई मिली। जान पड़ता है जब मैंने इंस्पेक्टर पुलिस को देखा तो ये चाबी मैंने जेब में डाल ली होगी, उसके बाद ध्यान से निकल गई। ये चाबी यकीनन उस आदमी की जेब से गिरी है जो तुम्हारे घर में चोरी करने आया। इसका मतलब ये हुआ, ये आदमी सवाई होटल के कमरा नंबर 320 में ठहरा हुआ है और यही आदमी है। जूता रख दिया साहब। चाबी मुझे अपने मकान के बरामदे में मिली थी, मेरी जेब से गिर गई थी। तो तुम ही वो आदमी हो जो चोरी से मेरे घर में आए थे? क्यों? मुझे कुछ कागजात की जरूरत। जिन्हें तुमने ताला तोड़कर निकाल लिया, इसका मतलब है तुम मेरी बीवी को जानते थे बहुत अच्छी तरह। उस रोज मेरी बीवी का नाम चिट्ठी भी तुमने लिखी थी। मेरा घर बर्बाद किया, मैं तुम्हें जो भी बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चलो, वरना
पुलिस स्टेशन तो मुझे ले जाना चाहिए तुम्हें। वो दाढ़ी वाले आदमी तुम हो जिसकी पुलिस को तलाश है, मगर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम कातिल नहीं हो। हाँ कातिल मैं नहीं, कातिल तुम हो। कातिल मैं भी नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी का पहला पति। तुम उसके दूसरे पति हो। पहला पति मैं हूं। ये कहानी मुझसे शुरू हुई थी। आज इस कहानी से पर्दा उठाता हूं। मैं और मीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन हमें डर था अगर मीना के पिता से जिक्र किया गया तो वो शादी की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए उनकी इजाजत के बगैर हमने शादी कर ली। उसी रात इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और उसी ही रात मुझे लड़ाई के फ्रंट पर भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद मैं लड़ाई में जख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मेरे बारे में ये खबर उड़ी कि मैं लड़ाई के महाज पर मारा गया। वक्त गुजरता गया गुजरता गया, मैं दुश्मन की कैद से रिहा हुआ। वहां से छूटने के बाद मैं सीधा बंबई पहुंचा, सिवाय होटल में ठहरा। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रोज नए साल की रात थी। होटल में खूब जश्न हो रहा था, मगर मेरा दिल बंबई में नहीं था, दार्जिलिंग में था। मैं जल्द से जल्द मीना से मिलना चाहता था। उसी रात मैं होटल से निकला, हवाई जहाज से दार्जिलिंग के लिए अपना टिकट बुक कराया और जैसे ही होटल वापस आया अचानक महेंद्र से मुलाकात हुई। हम एक दूसरे के गले से लिपट गए जैसे कि जिंदगी और मौत आपस में मिल रहे हैं। महेंद्र को मैं अपने कमरे में ले गया। अरे महेंद्र अच्छा हुआ यार तुम मिल गए। विमान से फ्रंट पे तो गोलियों की आवाज सुन के कान पक गए थे यार। अच्छा भैया कोई इस दुनिया के इस हिस्से कोई नई ताजी खबर सुनाओ मैं। अच्छा तो तुम्हें एक खौफनाक खबर सुना। आज हम इस होटल में मीना जी से मिले। अरे मीना को मिलना कोई खौफनाक खबर है यार? उसे मिलने के लिए तुम्हें तड़प रहा महेंद्र। मगर राजेश उन्होंने दूसरी शादी कर दी। नहीं महेंद्र नहीं, मैं उनके शौहर से मिला। मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं उसी कुर्सी में धस गया जिसमें बैठा था। अगले रोज मैंने महेंद्र से कहा मैं मीना से मिलना चाहता हूँ। महेंद्र ने फोन मिलाया। मीना? हाँ मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, कैप्टन महेंद्र। मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओ। तुम्हारा पहला पति राजेश जिंदा है। मैं मीना, 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 राजेश बोल रहा हूँ। मैं मीना, मैं राजेश हूँ। मीना, मीना, मालूम है उसको नीचे रख दिया। तो फिट रहेगा? हाँ प्लीज फिट करो। ऑपरेटर? यस 242665। हम सारा दिन कोशिश करते रहे मगर मीना का फोन नहीं मिला। मैंने एक बार फिर फोन लगाया, उस तरफ घंटी बजने लगी। मीना ने फोन उठाया। फोन बंद मत करना मीना, मैं राजेश बोल रहा हूँ। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं सवाई होटल कमरा नंबर 320 में ठहरा हूँ। तुम मुझसे मिलने अभी चली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ अगर तुम नहीं आई तो मुझे खुद तुमसे मिलने आना पड़ेगा। तो उस रात मीना तुमसे मिलने आई थी? हाँ।
घबराओ नहीं मीना, मैंने टेलीफोन पर जो कहा था वो धमकी नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हें एक बार देखने का बहाना था। राजेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब किस तरह हो गया? मैं जानता हूं ये सब किस तरह और किस लिए हो गया। मीना, ये इसलिए हो गया कि हमने शादी की पवित्रता को नहीं माना, हमने चोरी की, मोहब्बत को गुनाह का रूप दे दिया, हमारी शादी एक फूल बनकर रह गई, और फूल कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इंसान इंसान को माफ कर देता है, कभी कभी भगवान भी इंसान को माफ कर देता है, मगर इंसान की भूल से कभी माफ नहीं करती, सजा देकर ही छोड़ती है। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, सो मिली। राजेश, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मीना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कातिबे तकदीर इस कहानी को यूं ही बयान करना चाहता था, हम तो मिले बिछड़ जाएं, फिर मिलें फिर बिछड़ जाएं, और फिर दो अजनबियों की तरह अपने अपने रास्तों पर चले जाएं, जहां से पलट कर आना मुमकिन नहीं। मीना, मैं कल चला जाऊंगा, तुम्हें एक बार देखना चाहता था, देख लिया। खुश रहो, आबाद रहो। राजेश तुम्हारे लिए आज से 5 बरस पहले मर चुका था, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं वो अब कभी जिंदा नहीं होगा। तुम अपने घर जाओ मीना। राजेश, मुझ पर एक और एहसान करोगे? कहो। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। अमानत? तुम्हारी बच्ची। बच्ची? हाँ, पिताजी ने हमारी शादी को राज रखने के लिए इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। जब बच्ची पैदा हुई तो उसे कह दिया कि मर गई है, और उसे अनाथ आश्रम भिजवा दिया गया। मरते वक्त जब ये राज पिताजी ने मुझे बताया, मैं बच्ची को अपने पास नहीं रख सकती थी। उसे मैं ले जाऊंगा। मीना तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे जिंदा रहने का सहारा दे दिया। उसे मैं अपने कलेजे से लगा के रखूंगा मीना। वो कहाँ है उसका पता दो मुझे, मैं उसे अभी अभी लेकर आता हूँ। वो तुम्हें नहीं देंगे। मुझे नहीं देंगे? क्यों? आश्रम वाले सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही बच्चे देते हैं। ओ, और मेरी तो शादी हुई नहीं। खैर, कल तुम बच्ची को यहाँ छोड़ जाओ। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मशहूर आदमी की बीवी हूँ, किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या होगा। हाँ, कुमार तो बहुत मशहूर आदमी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं हवाई जहाज से 2 सीटें बुक करा लेता हूँ, और जिस वक्त भी वो सीटें होंगी मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा, तुम बच्ची को अपने घर ले आना। हाँ, ये ठीक है, मैं बच्ची को अपने घर ले आऊंगी, और उसे वहां से मैं ले जाऊंगा। अगले रोज मुझे रात की 2 सीटें मिल गई, ये बताने के लिए मैंने मीना को 2 बार फोन किया, मगर दोनों ही बार तुमने फोन उठाया और मैं मीना से बात न कर सका। उसके बाद मैंने बहुत बार फोन मिलाया, ऑपरेटर से भी कहा कि नंबर मिला है, लेकिन किसी न किसी वजह से मीना का फोन न मिल सका। चूंकि इतला देना जरूरी था, मैंने मीना को एक चिट्ठी लिखी। तो क्या उस रात तुम मेरे घर गए थे? हाँ, मैं गया था। उस वक्त कहीं दूर गिरजे का घंटा बज रहा था।
वहां पहुंचकर मैंने ऊपर देखा, बत्ती जल रही थी, दरवाजा खुला हुआ था, जाहिर है मेरे लिए खुला रखा गया था। अंदर कमरे में अंधेरा था, अंधेरा जानबूझकर रखा गया था, शायद इसलिए कि जब मैं ऊपर जाऊं और वापस आऊं कोई मुझे न देख सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। जैसे ही लैंडिंग में कदम रखा, ऊपर से ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें सुनाई दी। मैं समझा तुम आ गए। वापस पलटा, अचानक ऐसे लगा जैसे कोई चाबी से नीचे का दरवाजा खोल रहा है। मैं चुप गया। इतने में कोई अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, ऊपर से गोली चलने की। दाखिल हुआ तो देखा, मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कमरे में कोई नहीं था। कातिल जरूर पीछे की सीढ़ी से निकल गया होगा, सोचा उसे पकड़ूं, लेकिन नीचे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। मैं लपक कर पर्दे के पीछे छुप गया। दूसरे ही लम्हे दाढ़ी वाला दाखिल हुआ। ये तुम थे? हाँ हाँ, वो मैं ही था, वो मैं ही था। मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ ली थी, मुझे बीना पे शक हो गया था। मैं जलील हूँ, मैं कमीना हूँ, मैंने अपनी बीवी पे शक किया। वो घर जो मैंने मोहब्बत से बनाया था, शक से बर्बाद कर दिया। मीना का खून मैंने किया है, मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ। नहीं नहीं, कातिल ना तुम हो ना मैं, कोई तीसरा आदमी है। ये तीसरा आदमी कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर सवाल तो फिर अपनी जगह रहा, ये तीसरा आदमी कौन है? कुमार, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही थी। इसका मतलब हुआ कि मीना अनाथ आश्रम से बच्ची को घर ले आई थी और बच्ची घर पर थी। बच्ची? तो बच्ची कहाँ है? मीना ने कहा था बच्ची आश्रम में है, और आश्रम का पता मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम है, अब तो मुझे भी मालूम है। कुमार, ये कागज जो मैं तुम्हारे यहाँ से लाया, इसमें पता था और मैं तैयार होकर वहीं जा रहा था जब तुम आए। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कैसे चलोगे? पुलिस है तुम्हारे पीछे। उस बच्चे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सबको? जो है उसी को ढूंढता चला आता है। पहले एक श्रीमती जी आई थी, मैंने उनसे कहा बच्चे को गोद ले लो, तो कहने लगी मेरी मजबूरी है। कुछ दिन बाद फिर चली आई, फरमाने लगी बच्ची चाहिए। मैंने कहा बच्ची तो हमने दे दी, तेजपाल साहब ले गए। श्रीमती जी को गए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे, तेजपाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, बच्ची तो नहीं यहाँ आई। बच्ची ना हुई अलादीन का चराग हो गया। तेजपाल साहब का पता आप मुझे देंगे? हाँ हाँ। कौन चाहिए आपको? तेजपाल साहब यही रहते हैं ना? रहते तो यही है, पर आजकल यहाँ नहीं। कहाँ गए हैं? ऊटी, वहाँ उनकी ससुराल है। उनका पता मिल सकता है? पता तो हमारे पास नहीं है, मगर ऊटी में उनके ससुर की टी एस्टेट है। क्या नाम है उस टी एस्टेट का? लाल बन जारी टी एस्टेट। हेलो हेलो कुमार, अरे तुम कहाँ हो? हम सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। सुनो जगमोहन, तुम फौरन यहाँ चले आओ, सवाई होटल कमरा नंबर 320। क्यों, आखिर बात क्या है? ये सब बाद में बताऊंगा, तुम फौरन यहाँ चले आओ, जल्दी। ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो।
में तुमने इतनी लंबी कहानी सुना दी कि मेरी को समझ में नहीं आया। वो फिर कभी समझ लेना। इस वक्त तो ये जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों ऊटी पहुंचे, इससे पहले कि पुलिस इसे पकड़ ले। बाहर आ जाइए प्लीज। सॉरी मैम। हेलो वकील साहब, आप यहाँ कैसे? जी मैं अपने दोस्त कैप्टन राजेश से मिलने के लिए आया था। आज अपना बाय बाय बाय। कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डियर माइन, एनीथिंग आई कैन डू सर फॉर यू? कैप्टन राजेश होटल छोड़ गए क्या? अभी थोड़ी देर हो गई चले गए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्या बता सकते हैं कहाँ हैं? ऊटी गए। हमने उनके लिए दो सीटें बुक कराई हैं, बॉम्बे से बैंगलोर, बैंगलोर से कैम्बिटूर के लिए। दो सीटें हवाई जहाज से? मेरे ख्याल में अगर आप जल्दी करें तो उनको एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। Your attention, please. Captain Rajesh, passenger from Bombay to Bangalore, is requested to contact the Indian Airlines inquiry counter immediately. Captain Rajesh, passenger from Bombay to Bangalore, contact the inquiry counter, please. Captain Rajesh, passenger from Bombay to Bangalore, contact the inquiry counter, please. Thank you. कैप्टन राजेश? यस। योर फोन। हेलो कैप्टन, अभी अभी इंस्पेक्टर अशोक एयरपोर्ट गया है, तुम लोगों के पीछे जरा होशियार रहना। इंडियन एयरलाइन अनाउंस डिपार्चर ऑफ द कैरेवन फ्लाइट नंबर 105 टू बेंगलोर। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू द एयरपोर्ट। थैंक यू। Control, give me Bangalore, urgent. Hello, Bangalore. मैं बॉम्बे से इंस्पेक्टर शोक बोल रहा हूँ। देखिए, बॉम्बे से फ्लाइट नंबर 105 से मशहूर एक्टर कुमार बेंगलोर पहुंच रहा है। आप उसे जानते हैं? वेरी गुड, उसे रोक लीजिए। हाँ, जाने न दीजिए। दूसरी फ्लाइट से मैं भी बेंगलोर पहुंच रहा हूँ।
मालूम होता है इंस्पेक्टर अशोक को धोखा हुआ है, सब पैसेंजर तो आ गए, कुमार तो कहीं दिखाई नहीं देता। कुमार, हमारा अंदाजा ठीक निकला। इंस्पेक्टर अशोक ने यहाँ इतला कर दी थी, पुलिस यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हुई थी। Your attention, please. This is the last and final call for Captain Rajesh and Mr. Kumar traveling from Bangalore to Coimbatore by flight number 103. Rajesh, पुलिस के हाथों से बचकर यहाँ तक तो पहुँच गए। अब किसी तरह बच्ची मिल जाए। बच्ची मिल भी जाए और उसने कत्ल होते हुए देखा है ये भी बता दी। बता क्या दे, बच्ची बोलती तो है ही नहीं। और आप भी डॉक्टर साहब उसी से पूछते हैं बताओ क्या हुआ। ये इसके माँ बाप खड़े, ये भी कुछ नहीं बताते। कहते हैं हंसते खेलते बच्चे एकदम चुप हो गई। भला ये भी कोई समझ में आने वाली बात है? कुछ हुआ ही नहीं, बच्ची की जबान बंद हो गई। वाह, प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, ये एक साल की थी, मैना की तरह चेक की थी। आज तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो बच्ची नहीं। चलो बेटा अंदर चलो, कहते अपना काम करो, सत्यानाश कर रखा है बच्ची का। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए ना, आपने कहा था इसको खुली हवा में रखो, बाहर ले जाया करो। रोज ले जाता हूँ, सुबह शाम बागीचे में लटा रखता हूँ। यही एक तरीका है। मैं शुरू से कह रहा हूँ बच्ची को सख्त सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इसकी जबान बंद हो गई। जब ये बहुत दिमाग से हट जाएगा, बच्ची खुद ब खुद बोलने लग जाएगी। नमस्ते साहनी साहब। आ गए वकील साहब, कागजात ले। जी हाँ, इसी बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आओ साहनी साहब, कागजात तो घंटा भर में तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक वकील होने की हैसियत से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 5 लाख रुपया आप क्यों देना चाहते हैं अपने दामाद? मैं जानता हूँ उसे आप पसंद नहीं करते। अरे मैं कहाँ देना चाहता हूँ उस बेमान को, मगर क्या करूँ, मेरा हाथ दबा हुआ है। वो कैसे? रुपए के लालच में उस कमीने ने मेरी लड़की को फांस लिया और फिर दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। मैंने गुस्से में आकर लड़की को अपनी जायदाद से महरूम कर दिया। ये तो मुझे मालूम है। कुछ दिन बाद इनके यहाँ ये लड़की पैदा हुई। अपना खून फिर अपना खून होता है। मैं उसे देखने चला गया, लड़की बहुत प्यारी थी, मेरी जबान से निकल गया इसे मैं ले जाऊं। फौरन इस कमीने ने उसकी कीमत मांग। मैं खामोश नहीं रहूंगी, सच को छिपाते छिपाते मेरा दम घुटने लगा है। ये बच्ची हमारी नहीं, हमारी बच्ची मर चुकी। मेरे पिताजी से 5 लाख रुपया ऐसे के लिए तुमने झूठ बोला। अनाथ आश्रम से लाई हुई बच्ची को अपनी बता रहे हो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं पिताजी से सब कुछ। जिस तरह आज तक सामान बंद रखी है, आइंदा भी रखूंगी। जानती हो मैं कौन हूँ? अगर आज के बाद ऊंची आवाज सुनी, तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। जाइए प्लीज, फेस बदल कर आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। अब जो कहना है अदालत में कहिएगा, चुपचाप चले आइए। दिस इज लोडेड यू नो, करिए। गिन लो, पूरे 5 लाख है। आपने गिने या मैंने? बात देखी और सुनो, आज के बाद बच्ची से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बच्ची के बाप होते हुए भी तुम उससे मिल सकोगे या नहीं, ये मेरी मर्जी पर होगा। तुम अपने तौर पर यूं समझ लो, अब वो तुम्हारी नहीं रही। वो तो पहले से मेरी नहीं थी। अब मेरा मतलब है कि जब वो पैदा हुई और आपने उसे गोद लेने का इरादा किया था, मैंने तो उसी दिन से अपना नहीं सोचा। तुमने बहुत अच्छा किया। जाओ, इजाजत हो तो अपना सामान दे। गेट आउट। थैंक यू वेरी मच।
आप कीजिएगा, हम आपको कुछ तकलीफ देना चाहते हैं। फरमाइए। वो रही इंस्पेक्टर, यही है वो बच्ची। क्या बात है, क्या चाहिए आप लोगों को? मैं इंस्पेक्टर अशोक हूँ, बॉम्बे से आया हूँ। ये कैप्टन राजेश, राजेश और वो मिस्टर कुमार हैं। पिछले दिनों बॉम्बे में इनकी बीवी का कत्ल हो गया था और इनका कहना है कि ये बच्ची उस कत्ल के बारे में कुछ बता सकती है। ये बच्ची? जी। क्यों, आपको इतराज है हम बच्ची से कुछ सवाल पूछ लें? जरूर पूछिए, मगर ये बताएगी कैसे? ये बोलती तो है ही नहीं। बेटे बेटे, तुमने हमें पहचाना? तुम हमारे घर आई थी, हम दोनों सोफे के पीछे छुप गए थे। मैं तुम्हारी आंटी का आटा। हाँ हाँ बेटे, पहचाना ना मुझे? तुम कैमरा उठाकर लाई थी, मैंने तुम्हारा और आंटी का फोटो खींचा था। हाँ बेटे, याद आया? याद आया ना? याद आया ना? याद आया ना बेटे? हाँ, बोलो। बेटे सारिका, मेरी तरफ देखो सारिका, मेरी तरफ देखो सारिका, बोलो बेटे, बोलो। चलिए मिस्टर कुमार, कम ऑन, खत्म हो गया खेल। अच्छा मैं चलता हूँ। ये साहब मिस्टर प्रिंसिपल जी। हेलो जगमोहन साहब। हेलो, देर से आए आप, मैंने आपके दोस्त को थाम लिया। अच्छा ही किया, बाकी जितने लोग यहाँ हैं उनको भी थाम लिया। क्या मतलब? कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि इस कमरे के बाहर कोई ना जाए। देखिए, मुझे जरा निकल जाना है। ऐतराज ना हो तो आप भी ठहर जाएंगे ना, 5 मिनट की तो बात है। जी मुझे बहुत जल्दी है। रुक जाइए साहब, ऐसी भी क्या बात है, आप भी देखते जाइए। होनी भी अपना भान मदी का बेटा, ये सब क्या हो रहा है मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक ऐसी फिल्म दिखा रहा हूं जो इस बच्ची ने की थी। राजेश,
क्या हुआ कुमार? शबनम, मुझसे काम नहीं हुआ। क्यों? स्टेज पर आते ही वो सारी यादें वापस आ गईं जो मेरी जिंदगी थी, जिसके लिए मैं हंसता था, रोता गाता था। आज वो यहाँ मौजूद नहीं। ऊपर से यहाँ मीना बैठा करती थी, मुझसे कह रही है मीना का कातिल मैं हूं, वो मेरी बीवी थी, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, उसे अपना हमराज बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ना हमराज बन सका न बना सका। मैं उस पर शक किया, उसे मार डाला, जिस घर को मोहब्बत से आबाद किया था मैंने शक से बर्बाद कर दिया। शबनम, जिस तरह वो कुर्सी खाली है, मेरा दिल भी खाली है। कुर्सी खाली नहीं है, ये देखो।